हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताऊंगा लोडिंग गाड़ी कैसे चलाए। अभी जो आप लोग देख रहे हैं कि अभी लोडिंग हो रहा है, बांस है, उसमें तख्ता वाला जो होता है, सेंटरिंग जो होता है, घर का जो सेंटरिंग होता है, छत डलाता है, उसमें जो इतना तख्ता वाला जो लगता है, वो लोडिंग अभी हो रहा है। तो यह इतना लोड कर गाड़ी को कैसे चलाए, अभी देख सकते हैं, धक धक कर रहा है और इधर लोडिंग वाला देख सकते हैं, बांस है, अभी लोड हो रहा है। तो आज मैं आप सबको बताऊंगा कि लोडिंग गाड़ी किस तरह से चलाया जाता है और कैसे क्लच कंट्रोल करेंगे, ब्रेक कंट्रोल करेंगे और एक्सीलरेटर लेंगे और हाईवे पर किस तरह से चलाएंगे और सिंगल रास्ता में किस तरह से चलाएंगे। अभी जो रास्ता देख सकते हैं, इधर जो रास्ता दिखाई दे रहा है, बहुत ही डेंजर रास्ता है, बहुत ही खराब रास्ता है। तो यहाँ पर हम किस तरह से निकालेंगे, यह पूरी जानकारी देंगे और किस तरह से हम चलाएंगे, यह पूरा जानकारी देंगे और लोडिंग गाड़ी होने के बाद कितने नंबर गियर पर चलाएंगे, यह पूरी जानकारी देंगे। तो बस आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, इस लगभग जो है पूरा बांस लोड हो चुका है, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है अब पूरा लोड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से हम निकलेंगे और जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग जो है इस पर लोड कर चुके हैं, पूरा का पूरा तख्ता और बांस जितना है पूरा लोड कर चुके हैं, देख सकते हैं पूरा लोड हो चुका है। अब चलते हैं और किस तरह से लेकर चलना है वो हमें आप लोगों को दिखाऊंगा और बहुत ही टफ होने वाला है यह वीडियो, क्योंकि लोडिंग गाड़ी किस तरह चलाएंगे यह बताएंगे। लोडिंग गाड़ी, यह सोचिए इतना लोड गाड़ी, देख सकते कितना भी बांस इसका लोड है और यह पूरा लोडिंग गाड़ी। आप देख सकते हैं कि इस रास्ते में किस तरह चलाएंगे, उसके बाद हाईवे पर किस तरह चलाएंगे वो पूरा बताएंगे और कितने नंबर गियर चलाएंगे। चलिए गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, गाड़ी को कर लिए हैं चालू और फर्स्ट गियर डाल लिए। फर्स्ट गियर डालने के बाद यहाँ से हैंड ब्रेक को डाउन कर देते हैं और इसमें तो हमको एक्सीलरेटर लेकर चलाना ही पड़ेगा, देख सकते हैं, और चला रहे हैं इसको धीरे धीरे। इस रास्ते में हमको चलाना पड़ेगा, यह जो रास्ता है बहुत ही खतरनाक रास्ता है, टूटा भी रास्ता हुआ है और बहुत ही एक नंबर गियर चला रहे हैं, देख सकते हैं एक नंबर गियर चला रहे हैं और बहुत ही टफ है, क्योंकि इतना सारा लोडिंग गाड़ी लेकर चलाना मामूली बात नहीं है। देखिए निकाल रहे हैं इस रास्ते में, रास्ता जो है बहुत ही टूटा हुआ रास्ता भी है और लोग भी आ रहे हैं और इतना ही रास्ता है सब बचा हुआ है और जितना गाड़ी का साइज है उतना ही रास्ता भी है और यहाँ सबसे ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि यहाँ जो आगे जो दिखाई दे रहा है एक पुल और यहाँ पर बैठे हुए लोग, वहाँ पुल है और बहुत ही डेंजर रास्ता है, यहाँ पर मूव करने में हमको मुड़ने में बहुत दिक्कत होगा। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह जो पुल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, पुल तो है पूरा सीधा, लेकिन यहाँ जो मूव करने में जो है ना जगह बहुत कम बचता है। तो देखिए हम किस तरह से घुमा रहे हैं, सो फर्स्ट गियर डाले हुए हैं और आराम से धीरे धीरे मूव करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि गाड़ी पर बहुत ज्यादा लोड है अभी, तो धीरे धीरे घुमाएंगे। तो दोस्तों आ चुके हैं अब बहुत ही अच्छे रास्ते पर और जो रास्ता था उधर टूटा रास्ता था, लेकिन यह जो पूरा पिंच है पूरा चकाटक है और यह गांव वाला रास्ता है और यहां से निकलेंगे हाईवे पर। हाईवे भी बताएंगे कि किस तरह से गाड़ी चलाते हैं। अभी जो गाड़ी हम चला रहे हैं तीन नंबर गियर पर चला रहे हैं, तीन नंबर गियर लगा चुके हैं और एक्सीलरेटर लेकर चला रहे हैं, बिना एक्सीलरेटर चलेना ही, क्योंकि लोडिंग गाड़ी है। और चलते हैं वहां पर और हाईवे भी बताएंगे कितना स्पीड में गाड़ी चलेगा। तो गाड़ी जो है लोडिंग करने के बाद इसका स्पीड रहेगा लगभग 50 के ऊपर लोडिंग करके चलाइएगा, भी नहीं 50 से नीचे चलाइएगा, लेकिन ऊपर लेकर नहीं जाइएगा, ये तो मान सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो अभी निकलते हैं, चलते हैं हाईवे पर, हाईवे पर चलाकर आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आगे में एक तो चढ़ाई है, मतलब हिल है, इस पर हम कितने नंबर गियर चढ़ाएंगे, तो इतने नंबर पर हमको गाड़ी जो है स्लो हो चुका है, तो एक नंबर गियर लगाएंगे, देख सकते हैं एक नंबर गियर लगा लिए और उसके बाद क्या है धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे गाड़ी को चलाएंगे, एक्सीलेटर ले लेंगे और उसके बाद चलाएंगे जिस तरह से हम चला रहे हैं, एकदम एक्सीलेटर लेकर चलाएंगे। देखिए चढ़ा दिए ऊपर में, फर्स्ट गियर पर चढ़ाइएगा, इस तरह का अगर चढ़ाई मिले आप लोगों को तो फर्स्ट गियर पर ही चढ़ाइएगा। अब चलते हैं आगे, आगे भी है आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों यह जो चढ़ाई आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यह चढ़ाई है रेलवे गुमटी वाला और रेलवे गुमटी पर अभी आए हुए हैं और फर्स्ट गियर डाल दिया है, क्योंकि लोडिंग आ रही है और यहाँ बहुत ही बारीकी से हमको निकालना पड़ेगा और साइड लेकर निकालना पड़ेगा। उधर जो हत्ता है, हत्ता को देखते हुए निकालेंगे और पूरा अपना साइड लेंगे और इधर निकाल दिए हैं और चढ़ाई जो है लगभग बहुत ज्यादा चढ़ाई है और एक फर्स्ट गियर डाले हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट गियर लगाए हुए हैं और बहुत ही धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं। और अगर सेकंड गियर डालते हैं तो ये बंद भी हो सकता है, धक धक करके बंद हो सकता है, लेकिन उस तरह से मुझे चलाना नहीं है, अच्छे से चलाना है और सीखना भी है। तो देखिए अब जो आ गया है समतल रास्ता आ चुका है, तो समतल आ गया रास्ता तो थोड़ा स्पीड करेंगे, उसके बाद सेकेंड गियर डाल देते हैं, सेकेंड गियर डाल लिए हैं और इधर जो है धुलाई है, धुलाई ढलाई धुलाई धुलाई है, अभी इधर हम चढ़ाए धुलाएंगे नीचे की तरफ और आराम से धुलाएंगे और क्या करते हैं क्लच को अच्छे से पूरा प्रेस कर देंगे और ब्रेक को थोड़ा थोड़ा दाबेंगे और आराम से धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। ये तो सभी चला रहे हैं, देखिए
अच्छे से इस तरह से ब्रेक दाब लीजिएगा, उसके बाद आराम से स्मूथली धीरे धीरे नीचे लेकर आइएगा। इस तरह से अभी हम लेकर आए हैं और अभी जो है सेकंड गियर पर है और थोड़ा एक्सेलरेटर लेंगे। अब देखिए एक्सेलरेटर ले लिए और कुछ रफ्तार पकड़ेगा और थोड़ा आगे ही है हाईवे। चलिए हाईवे पर दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यह जो है चढ़ाई है शनि मंदिर की चढ़ाई है और इसके बाद यही आ गया हाईवे। हमको यहाँ से लेफ्ट लेंगे और यहाँ पर फर्स्ट गियर पर चढ़ाएंगे। देख सकते हैं फर्स्ट गियर लगा चुके हैं, सेकेंड गियर पर चढ़ाएंगे। इतना स्लो में तो चढ़ेगा नहीं और गड़बड़ हो सकता है, गाड़ी भी बंद हो सकता है। इधर से हम लेफ्ट लेकर चलेंगे और यह जो आ गया हाईवे आ गया है, हाईवे आ गया। अब हाईवे में किस तरह चलाएंगे तो देखिए कितना स्पीड में चलाएंगे। देख सकते हैं धीरे धीरे हम सीधा कर लिए गाड़ी को और यह जो NH57 है, NH57 है और इस पर देखिए इस पर जो हमारा गाड़ी का स्पीड रहेगा लगभग 50 नीचे ही रहेगा, ऊपर लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है तो देखिए स्पीड जो है बढ़ा लिए और देख सकते हैं स्पीड जो है अभी 30 पर है। ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाएंगे, 50 से नीचे ही रहेंगे लेकिन आगे लेकर नहीं जाएंगे। तो देखिए यही हाईवे है और इस पर हम चलाएंगे कितने स्पीड पर से। तो अभी जो है फोर्थ नंबर गियर पर है, उसके बाद फाइव नंबर गियर डाल लिए और चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों अभी जो है स्पीड है लगभग 50 से स्पीड है, 50 के ऊपर लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि लोडिंग गाड़ी है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके ऊपर नहीं लेकर जाएंगे, इसके नीचे ही रहेंगे लेकिन इसके ऊपर जाएंगे नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं लगातार आप लोगों से ड्राइव से लेट सारी वीडियो की जानकारी लेकर आते रहता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आप लोग फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक लिए बाय बाय।